मोटा भाई सबका धंधा खाने वाले हैं। पहले तो ये आईपीएल में घुसते उसके राइट्स खरीदते, उसके फ्री करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिजिटल लैंग्वेज में उसकी कमेंट्री करवाते हैं। अब ये आदमी घुस चुका है फिल्म इंडस्ट्री में, लिटरली फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया है। इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ से पहली बार ऐसा कोई करवाता है कि भाई एक स्टूडियो आता है, 100 से ज्यादा मूवीज की अनाउंसमेंट एंड टीजर ट्रेलर को हल्के लिए ग्लिम्स दिखाता है हम लोग। खैर, इन्होंने 100 से ज्यादा कंटेंट को अनाउंस कर दिया, लेकिन हम 100 पे बात नहीं कर सकते एक वीडियो में, तो हम कुछ सेलेक्टिव चीजों पर बात करेंगे, जो कुछ इनमें से कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होने वाली है, कुछ होने वाली बैड एस ब्रूटल, कुछ रोमांटिक होने वाली है, कुछ हमारे एसआरके की मूवीज है एंड कुछ ऐसी भी जिनके बारे में तुम डायरेक्ट जानोगे तो ज्यादा मजा आएगा। पर्सनली ब्लडी डैडी का टीजर देखने के बाद मैं फ्लैटर्ड हो चुका हूँ। एक ग्रे कैरेक्टर की कहानी, एक ग्रे स्टोरी लाइन एंड साहित्य, उससे अच्छा कोई भी ग्रे कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता पूरे बॉलीवुड में। एंड मैं ऐसे मजाक नहीं बोल रहा, ये बंदा भाई तुम्हारे रोमांस को पुल अप कर सकता है। एंड ग्रे कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से पुल अप करता है। हमने अर्जुन रेड्डी देखी है, फिर एक और मूवी जिसका मेरे को नाम नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। भाई ये जिस तरह से ग्रे कैरेक्टर को पुल अप करता है पूरे बॉलीवुड में वैसे कोई नहीं कर सकता। एंड जो टीजर था वो देखने में पूरा लग रहा भाई जॉन वी वाली भाई है, मतलब एकदम दीवाना हो गया जिस तरह से लुक है कैरेक्टर का, कैरेक्टर जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है एंड जिस तरह से पूरी भाई बहन ब्लडी ने दिखाया गया, वो देख के फिर भाई जॉन विक वाली यूनिवर्स को रिक्रिएट करना चाहते हैं, उस तरीके से इंस्पायर्ड होकर कुछ अपना इंडियन करना चाहते हैं, जो देख के फील होता है। एंड टीजर में कुछ कुछ बातें बोल जाती है ड्रग्स को लेकर, माफिया को लेकर, फैमिलीज को लेकर, ब्लड को लेकर, जो फील होता है भाई ये उसी तरीका कुछ वापस रिवाइव करना चाहते हैं इंडिया में। उस तरह माफिया मूवी जो कि इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं बन रही है उसके लिए फिर से रिवाइव करना चाहते हैं ग्रे कैरेक्टर के थ्रू, जो कि जॉन विक टाइप की ब्रूटल एक्शन करेगा, जो लोगों को मारेगा ब्रूटली। एंड हाँ, मैं जानता हूँ टीजर में बहुत ज्यादा एक्शन सीक्वेंस चॉपी है जो कि जॉन विक के टाइप की मूवीज के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ टीजर था, हम इसे जज नहीं कर सकते। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे इसका आगे ट्रेलर आएगा, फिर मूवी जब आएगी, तो जो एक्शन सीक्वेंस है वो थोड़े से ब्रॉडर होंगे, लॉन्ग एक्सपोजर शॉर्ट होंगे, लंबे लंबे टेक होंगे एक्शन में, जो कि एक रॉनेस प्रोवाइड करते हैं कहानी में, जो कि एक रियलिस्टिकनेस लाते हैं, जो कि देखने में फील होता है कि हाँ भाई मैं कुछ फाइट देख रहा हूँ, चॉपीनेस मजे नहीं आती इस तरह के एक्शन सीक्वेंस में। एंड यही खासियत है जॉन विक के, एंड अगर जॉन विक से इंस्पायर हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई जॉन विक तरह का एक्शन दे, उस लेवल का ना भी जाए लेकिन जो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स है भाई, दो दो तीन दिन की फाइट सीक्वेंस एक साथ चल रही है, बहुत लोग एक साथ मार रहे हैं। सेकंडली हमारे वरुण भाई पहले दूसरी औरत को गोद में उठाकर उसे चूमते हैं एंड अब वो भेड़िया बन चुके हैं। भेड़िया का पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ मूवी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाई थी, बट इन्होंने राइट्स वगैरह बेच बूच के अपना पैसा निकाल लिया हुआ, जिसका ये पार्ट 2 ला रहे हैं। जिन्होंने भी इस मूवी को देखा था उन्होंने इस मूवी के VFX कहानी को, इसके प्रेजेंटेशन और सारी चीजों को प्रेस किया था एंड उन तक ये बात पहुंची भाई लोगों को ये पसंद आया, जितने लोगों ने देखा उन्हें पसंद आया। एंड जब मूवी टीवी प्रीमियर होगी और OTT पे आएगी, लोग और देखेंगे तो लोग और जल्दी से प्रेजल देंगे, इसकी वजह इसका पार्ट 2 निकाल के अपना भाई धंधा करते हैं कि पार्ट 1 में जो कमाई नहीं वो पार्ट 2 जरूर ला के देगी इन्हें। उसके बाद हमारे SRK की मूवी डंकी का एक छोटा सा डायलॉग दिखाया गया। नाम क्या है? डंकी। इसी के साथ स्त्री 2 का अनाउंसमेंट हुआ, जो मूवी 31 अगस्त को आने वाले इसी साल। इसी के साथ एक लव स्टोरी आ रही है जिसमें हमारा हीरो अपने ही बनाए हुए रोबोट के साथ प्रेम प्रसंग करने लगता है, जिसका नाम तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जिसका जो पोस्टर अनाउंस हुआ है थोड़े ठुमके लगाते हुए हमें शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, जिस पोस्टर में हमें कृति सनन, शाहिद कपूर एक BMW वाले बाइक में बैठे हुए पीछे बीच का सीन है, दोनों चुम्मा चाटी करें, मतलब वो प्रेम प्रसंग करें, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी एक साइटिंग जिसका दिल बिल टूट जाएगा, वो इस दिल टूटे आशिक बन के एक रोबोट बनाएगा जिससे उसे खुद प्रेम हो जाएगा, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाएगा। अभी तक इसका नाम वगैरह अनाउंस नहीं हुआ एंड मोस्ट प्रोबेबली साल के लास्ट में ये मूवी आएगी। एंड अभी जो मैंने ब्लडी डैडी की बात की वो शायद जून में आ रही है, कितने तारीख को आ रही है आई डोंट नो द डेट, बट हाँ वो जून में आने वाली है एंड ये मूवी इस साल के लास्ट में आएगी। अब इसका नाम क्या है, इसकी कहानी पर्टिकुलरली क्या होगी पता नहीं, लेकिन जो रूमर्स एंड थोड़े बहुत जो आर्टिकल्स उसके हिसाब से यही कहानी भाई एक साइंटिस्ट है जो कि किसी से प्यार करता है, उसका प्यार टूट जाता है, दिल टूटने और एक रोबोट बनाता है, उस रोबोट से उसे फिर प्यार हो जाता है, उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके साथ कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मूवीज भी आने वाली हैं, या फिर सिंपली बोल तो सेड्यूसिंग मूवीज लाइक हैप्पी और हैप्पीली एवर आफ्टर करके एक मूवी आने वाली है एंड वाणी कपूर की एक मूवी आने वाली है स्वगुण संपन्न, जिसमें वो एक पॉर्न स्टार लुक अलाइक कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जिसकी कहानी 90s में सेट हो गया। इसी कहानी है भाई ये बोल्ड फैन के लोगों को ये साबित करना चाहती हैं कि भाई मैं एजुकेटेड हूं, जस्ट लाइक द दिल्ली मेट्रो गर्ल। ये मूवी एक वुमेन सेंट्रिक सोशल कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी छोटे शहर की लड़की की एंड मूवी कहानी 90s में बेस्ट है। खैर, और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया जिनके बारे में कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थी एंड पर्सनली उनका फर्स्ट लुक देखने पर मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, तो मैंने उन पर बात नहीं किया। लेकिन यही था आज का वीडियो, अगर तुमको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया हो तो भाई प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर ठोक देना एंड तुम किस मूवी के लिए पर्सनली एक्साइटेड हो वो कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ।